सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फासिक एपिसोड 15 में आप देखेंगे उमैर की वालदा अपने शौहर को अपने बेटे उमैर के मक्कार और घटिया हरकत के बारे में बताती हैं कि उमैर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फातिमा को अगवा करवाया था। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। तो इनके शौहर इन पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किस से सुना तुमने, मेरा बेटा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। तो उमैर की वालदा कहती हैं, ये सब मैंने खुद उमैर के मुंह से सुना है। उमैर की इस घटी हरकत पे उसकी वालदा बहुत परेशान है कि वो इतना गिर गया कि फातिमा को अगवा करवाया, और इसी वजह से वो उमैर से कहती हैं, निकलो यहाँ से, अब ना तो इस घर में और ना ही हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। अनिका और फातिमा भी ये सब सुन रही हैं। उमैर की वालदा चिल्ला के कहती हैं, सुना नहीं तुमने, चले जाओ यहाँ से। तो उमैर जाते हुए कहता है, अम्मी आप ये सब ठीक नहीं कर रही हैं। और उमैर गुस्से से फातिमा की तरफ देखता है। अगरचे उमैर की वालदा ने उमैर को घर से निकाल दिया, लेकिन आखिर वो माँ हैं और वो बहुत परेशान नजर आती हैं। फातिमा अपनी ताई को परेशान देखकर कहती है, प्लीज़ आप उमैर की इस गलती को माफ़ कर दें, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। तो उसकी ताई कहती हैं, बेटा औलाद की कुछ गलतियों पर उनको सज़ा देना माँ बाप पर वाजिब हो जाता है, और अगर वो इन्हें सज़ा ना दें तो औलाद के साथ साथ माँ बाप भी गुनाहगार होते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब उमैर अपनी वालदा से कहता है कि मैं फातिमा से शादी के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या उमैर फातिमा से बदला लेने के लिए उससे शादी कर रहा है? राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। शुक्रिया।